हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर विद्या विहार फैमिली। आई एम सोनू। सो टुडे आई एम बैक विथ न्यू सीरीज ऑफ आवर लेक्चर। सो ये सीरीज आज से हम लोगों ने ऐड किया है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हिंदी हिंदू द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल रहता है उससे कुछ कुछ वर्ड हम लोग एज अ वोकैब उठाएंगे और उसको पर डे एक्सप्लेन करेंगे। ये जो है रेगुलर होने वाला है, पर डे होने वाला है। हम लोग पर डे इसको कोशिश करेंगे मॉर्निंग में ही कवर करने का। चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसको बोलते हैं वार्डिंग ऑफ। वार्डिंग ऑफ जो एक फ्रेजल वर्ब है, ये डायरेक्ट एक एग्जैक्ट वर्ब नहीं, इसको एक फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? टू कीप समवन और समथिंग अवे और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। कुछ भी होने से पहले उसको रोकना, इसी को बोलते हैं वार्डिंग ऑफ। कुछ भी बुरा हो रहा है उससे पहले हम उसको रोक लें। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, आजकल कोरोना वायरस पूरा ट्रेंड में है। सो हम लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें घर में रहने वाला कैंपेन को फॉलो करना है। वी हैव टू फॉलो स्टे होम कैंपेन टू वार्ड ऑफ द कोरोना वायरस। जैसे ही यूज्ड हिज विजडम टू वार्ड ऑफ द विल फोर्स। उसने अपने विजडम को यूज किया बुरी ताकतों से लड़ने के लिए। ये हो गया हमारा वार्डिंग ऑफ का एक सेंटेंस। इसका सिनोनिम्स होता है डिफ्लेक्ट, होल्ड ऑफ, रेसिस्ट, अपोज। एंटोनिम्स होता है वेलकम, एम्ब्रेस, ओपन, मेक वल्नरेबल। चलिए ऐसे ही इंडिया में बहुत सारा चलन है टिप का, टिप के बिना तो कोई काम होता नहीं है। टिप से इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। हमारे देश भारत में लोगों को दारू से वार्ड ऑफ करना बहुत इम्पॉसिबल। कल लॉकडाउन खुला नहीं कि लोग वाइन शॉप के आगे लंबी लंबी कतारों में खड़े रह गए दिन भर। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे उतना लोग खड़े नहीं थे जितना लॉकडाउन खत्म होने के बाद शराब की दुकानों के बाहर खड़े थे। चलिए जोक सपाट, आते हैं हमारे आज के सेकेंड वर्ड पे। आज का जो हमारा सेकेंड वर्ड है वो बिहेमोथ है। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा प्राणी, एक्सट्रीमली लार्ज मतलब बहुत बड़ा, जो कि आंखों को शोभा ना दे, अनप्लीजेंट होता है। मोस्ट्रस क्रिएचर मतलब विशालकाय प्राणी। चलिए इसका एक सेंटेंस से एग्जांपल हम देख रहे हैं। ये बहुत रेयर होने वाला है कि कोई एक मोस्ट्रस प्राणी जो है बहुत विशालकाय प्राणी कभी अफेक्टेड हो। कभी कभी जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि वो बहुत लार्ज है तो लोगों को लगता है कि वो एक विशालकाय प्राणी है, मतलब कि लोगों को आंखों को वो शोभा नहीं देता। ये होता हमारा बिहेमोथ का मीनिंग। इसका सिनोनिम्स होता है जायंट, मॉन्स्टर, डेमोन, हैवीवेट। इस सब का मतलब किसी न किसी रूप से मॉन्स्टर्स क्रिएचर से जुड़ा हुआ, यानी कि विशालकाय प्राणी से जुड़ा हुआ है। एंटोनिम्स देखते हैं इसका क्या होता है। ड्वार्फ, पिग्मी, वेपर स्नैपर, लाइटवेट। चलिए टिप से इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। धोनी को तो हम लोग देखते हैं कितने कैप्टन कूल है फील्ड पे, लेकिन जब वो सिक्स मारना स्टार्ट करते हैं तो सामने वालों को वो बेहमत जैसा लगता है कितना बड़ा विशाल का प्राणी आ गया, अब इससे कौन बचाएगा हमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है डुबियस। डुबियस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है, मतलब कि किसी चीज को लेकर सर्टेन नहीं होना, मतलब डाउट फील करना, मतलब संशय में रहना हमेशा, उसी को बोलते हैं डुबियस। चलिए आपका तैयारी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप हमेशा अपने तैयारी को लेकर संशय में रहिएगा। वैसा एक एग्जाम्पल है, आई एम फीलिंग डूबियस अबाउट माई परफॉर्मेंस इन एसएससी एग्जाम। मुझे अपने प्रदर्शन को लेकर एसएससी एग्जाम में संशय है। ये हो गया हमारा डूबियस का मीनिंग। इसका सिनोनिम्स होगा टेंटेटिव, डाउटफुल, डूबिटेबल, इन क्वेश्चन। एंटोनिम्स होगा सर्टेन, श्योर, कॉन्विंस्ड, अनक्वेश्चनेबल। ऐसा जरूरी नहीं कि बस यही चार सिनोनिम्स और चार एंटोनिम्स होता है, इसका बहुत सारे होते हैं, कुछ एक को मैंने पिक किया है। चलिए इसका भी टिप देखते हैं। एग्जाम के प्रिपरेशन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, रिजल्ट को लेकर सब लोग डूबियस जरूर रहते हैं। आप 100 का 100 मार्क्स बनाकर लाए हैं, लेकिन घर आके एक बार जरूर सोचेंगे रिजल्ट आते टाइम कि पता नहीं क्या होगा, जबकि आपको भी पता है कि आप अच्छा करने वाले हो, लेकिन आपके मन में यह संशय रहेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, यानी हमारा फोर्थ वर्ड जो है इम्बागोड। ये हमारा फोर्थ वर्ड है। ये जो है वर्ब है, जैसे ही नाम से ही लग रहा है ईडी है, ये वर्ब है। इसका ओरिजिनल वर्ड जो होता है, मेन वर्ड जो होता है, इम्बागो होता है। अ लीगल प्रोहिबिशन और इम्पोज एन ऑफिशियल बैन, मतलब किसी चीज को रोक देना, एक नोटिस के थ्रू किसी चीज को रोकना, इसको बोलते हैं हम इम्बागो। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच का लड़ाई तो सब लोग पूरा फेमस है, वर्ल्ड फेमस अभी है। दोनों का चाचा भतीजा का लड़ाई चलते रहता है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, एक तरफ नॉर्थ कोरिया के जो हमारे हिटलर साहब हैं,
उसको हिटलर ही बोलते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेसी को तो फॉलो करते नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स इम्बार्गो अगेंस्ट ट्रेड विथ नॉर्थ कोरिया। यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया, अपने व्यापार के साथ एक ऑफिशियल बैन लगा दिया। किसके साथ? नॉर्थ कोरिया के साथ। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के साथ व्यापार करने पे ऑफिशियल बैन लगा दिया, यानी ऑफिशियल रोक लगा दिया। इसका सिनोनिम्स देखते हैं, बैन, वेटो, प्रोहिबिट, रिस्ट्रेंट, सबका मीनिंग जो है सेम एम्बार्गो होगा। एंटोनिम्स देखते हैं, हेल्प, असिस्टेंस, अप्रूवल्स, परमिट। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने एक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का भी एक एग्जाम्पल दिया है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। वर्ड उसका मीनिंग, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, दैट इज एनफ। और टिप भी देख लेते हैं फिर, ये फिर से एग्जाम्पल है भाई लॉकडाउन खत्म होने के बाद का। इंडिया में जॉब जाने से ज्यादा टेंशन दारू के एम्बार्गो होने पे हुआ है। सही में हुआ है, कल लॉकडाउन खत्म होने के बाद पता चल गया। फिफ्थ नंबर हमारा जो फिफ्थ वर्ड है, क्विंटेसेंशियल। ये जो है एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या होता है, बींग द परफेक्ट एग्जाम्पल। मतलब किसी एक चीज का, किसी एक चीज में उससे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। बींग द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। जैसे क्रिकेट में हम लोग सचिन तेंदुलकर को लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर से ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन क्रिकेट का कोई और कर ही नहीं सकता। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, प्लेइंग गोल्फ इज द क्विंटेसेंशियल पास्ट टाइम ऑफ रिच। गोल्फ खेलना जो है सबसे बेस्ट पास्ट टाइम होता है अमीरों का, क्योंकि गरीब लोग तो गोल्फ खेलने का टाइम है नहीं, तो वो क्या करते हैं, अमीरों का सबसे ज्यादा पास्ट टाइम होता है गोल्फ खेलना। सिनोनिम्स देखते हैं, स्टीरियोटाइपिकल, फर्स्ट रेट, इनकल्पेबल, आइडियल। एंटोनिम्स देखते हैं, इनफेरियर, डिसअपॉइंटिंग, एट्रोसियस और लोग्रे। टिप देखते हैं, अभी पता है कि इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को हेल्प किया है, किसी न किसी रूप से कोरोना से लड़ने के लिए इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को हेल्प किया है। तो टिप में भी उसी को एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया का ब्राजील को हेल्प करना इज अ क्वांटेसेंशियल ह्यूमेनिटी। ये हो गया हमारा टिप। सिक्स्थ वर्ड की ओर चलते हैं, कंजुमेट। ये एक एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली स्किल्ड, बींग ऑफ द हाइएस्ट और मोस्ट एक्सट्रीम डिग्री, यानी परिपूर्ण, संपूर्ण, जिसको बोलते हैं हिंदी में, एकदम एग्जैक्ट हिंदी वर्ड देखे तो। इसका एग्जाम्पल हमारे कैप्टन कूल धोनी से ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। प्रेशर सिचुएशन, जब भी दबाव का माहौल होता है उस टाइम धोनी का दिमाग जो होता है वो कंजुमेट होता है, यानी कि उससे ज्यादा अच्छा उस सिचुएशन को संभालने वाला कोई हो ही नहीं सकता, एकदम कुशल होता है। तो इसको हिंदी में हम लोग कैसे बोलेंगे, कंजुमेट को एकदम कुशल भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स चलते हैं, परफेक्ट, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, अचीव। ये सबका मीनिंग सेम रिलेटेड है हमारा कंजुमेट से। और एंटोनिम्स जो है आप एंटोनिम्स का हिंदी होता है विपरीतार्थक शब्द, सिनोनिम्स होता है समानार्थक शब्द। एंटोनिम्स देखते हैं, इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट, अनस्किल्ड, मिटिगेटेड। चलिए टिप से देखते हैं, हमारे देश में पता है इंडिया जैसा जुगाड़ पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हो सकता। हमारे देश इंडिया में एवरीवन इज कंजुमेट, बट जरूरत है कि उसको निखारने की। सब लोग अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन सब में क्या क्या क्वालिटी है उसको निखारने की जरूरत है, उसी को बोलते हैं कंजुमेट। सेवंथ वर्ड, पावर्स। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है ना, किसी से आप उम्मीद कर रहे हो कोई आपसे बहुत अच्छा बिहेवियर कर और आके आपको एक चमेटा देके निकल जाए, वो हो जाता अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। तो जिसको आप एक्सपेक्ट किए ही नहीं, जो आपको उम्मीद ही ना की हो, मतलब उम्मीद के विपरीत जो व्यवहार होता है उसको बोलते हैं पावर्स। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोहली का क्या व्यवहार रहता है, कभी कभी बहुत चिल्लाने लगता है, कभी बहुत एनर्जेटिक फील करता है फील्ड पे, तो समटाइम कोहली वॉज बींग पावर्स, मतलब कभी कभी उसका व्यवहार जो रहता है अनएक्सपेक्टेड आता है। सिनोनिम्स देखते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, विग्ड, कॉन्ट्रेरी, बैड टेम्पर्ड। एंटोनिम्स देखते हैं, एग्रीएबल, रीजनेबल, विलिंग, कॉम्प्लेंट। दो एग्जाम्पल दिया हुआ, एक सिनोनिम्स का, एक एंटोनिम्स का। चलिए इसका एक टिप देखते हैं। हाँ, ये भी सब लोगों को पता है, कोहली का बिहेवियर भले ही पवर्स हो बट उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर उसका हो सकता है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस भी जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। किसके लिए? अपोजिशन के लिए। लास्ट, आज का हमारा लास्ट वर्ड, प्रेरोगेटिव। इसको बोलते हैं नाउन, ये एक नाउन है, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का ये नाउन पार्ट है। प्रिविलेज, यानी सम स्पेशल राइट समबडी हैज, इसका मतलब क्या बोलते हैं, किसी को किसी एक चीज का स्पेशल अधिकार होना, मतलब सब चीज को, जैसे एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में सब लोग नहीं जा सकते, वहां पे बस कुछ ही लोग जा सकते हैं जिसको वहां जाने का अधिकार है, उसी को बोलते हैं स्पेशल परमिशन, यानी प्रिविलेज एक्सेस।
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन का डेट जो अनाउंस करने का अधिकार है वो रहता है हमारे इलेक्शन कमिश्नर के पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही हमारे देश के इलेक्शन का डेट अनाउंस कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं स्पेशल परमिशन यानी प्रिविलेज अधिकार। ये अधिकार सिर्फ उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। सिनोनिम्स इसका देखते हैं क्या होता है। एडवांटेज, लिबर्टी, एग्जेम्पशन, इम्यूनिटी। एंटोनिम्स देखते हैं ऑब्लिगेशंस, डिस्क्वालिफिकेशन, डिसअलाउ, फॉरबिड। एक एग्जाम्पल मैंने सिनोनिम्स से लिया, एक एंटोनिम्स से लिया है। ये देखिए, ये टिप है, टिप को कोई दिल से मत लगाना। ये बस पार्लियामेंट में एक बार अटैक हुआ था, उसी को बस एक याद करने का एक तरीका है, कोई इसे दिल से ना लगाए। पार्लियामेंट में जाने का प्रेरोगेटिव सिर्फ पॉलिटिशियन को रहता है। पार्लियामेंट में सब लोग तो एंट्री कर नहीं सकता, वो प्रिविलेज्ड एक्सेस चाहिए जो कि पॉलिटिशियन के पास होता है। बट कभी कभी टेररिस्ट जो रहते हैं, आतंकवादी लोग भी स्पेशल परमिशन लेके पार्लियामेंट में घुस जाते हैं और बम ब्लास्ट करते हैं, जो कि एक बार हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे आज का हमारा वर्ड खत्म हुआ और ये लेक्चर हम लोग पर डे कंटिन्यू करेंगे। पर डे कोशिश करूंगा मैं कि मॉर्निंग में 9 AM से पहले को ये लेक्चर लाने का। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ये वीडियो डेली आए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अगर मेंशन करें। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, जो कि हमारा कंटेंट्स और लोगों तक पहुंचे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स ऑल।